क्या डील करने वाले हम लोग आज हैं। तो आज हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। और बेसिकली जो चैप्टर आपका होगा वो आप देख रहे हैं कि ऑस्मोसिस एंड वाटर डिफ्यूजन बेसिस पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखेंगे। लेक्चर फिनिश होने के बाद हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो इस ऑस्मोसिस से रिलेटेड हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपके नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा एनहैंस करके आपको बेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हमने समझा है टॉपिक को या नहीं समझा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बिना समय को गवाए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अभी जो हम लोगों को समझना है दैट इज द ऑस्मोसिस। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि आखिरकार ऑस्मोसिस क्या होता है। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज को देखेंगे दैट इज वाटर। ठीक है, तो वाटर की तरह ही अगर हम लोग देखिए जैसे कि वाटर है, ठीक है, तो वाटर के जैसा ही बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दूं ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इस तरह से और भी चीजें अगर हम लोग लेते हैं तो इस तरह के जो भी सब्सटेंसेस हैं ये एक लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, और उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोला करते हैं। अब आपके मन में ये जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इस ट्रैक कर रहा होगा कि भाई आखिरकार डिफ्यूजन जो है वो क्या है, क्योंकि आपने एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में से जरूर देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों का अच्छा से जो है वो कंपैरिजन तो चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल भी अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि आखिरकार ऑस्मोसिस जो है और जो आपका डिफ्यूजन है इन दोनों के बीच में आखिरकार क्या जो है डिफ्रेंशिएट है जिसके वजह से हम लोग इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफ्यूजन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऑस्मोसिस को हम लोग समझेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस के लिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां पे मूवमेंट हो रहा है, किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का। ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है। अब ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है, जब ये मूवमेंट करता है तो इसको किसी ना किसी से सामना करना पड़ता है। किससे सामना करना पड़ता है, तो इसको एक चीज से सामना करना पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहा करते हैं, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। अब आपके दिमाग में दो बातें आएंगी, ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे कि आपको यहां पे जो दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन बोला करते हैं। ठीक है, इस वाले को यहां पे। अब ये जो है ये क्या करता है, एक दीवार के जैसा होता है, ठीक है, और ये अलाउ करेगा कि किसको, इस ओर से, मैं यहां पर आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि इस ओर से इस ओर किसको जाना है, तो इसके लिए परमिशन किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन बोला करते हैं। तो ये जो सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है ये अलाउ करेगा कि किसको इस ओर से इस ओर जाना है। यानी कि इसको अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर डे टू डे लाइफ से अगर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि जैसे चाय चाय छन्नी वगैरह अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बात करते हैं कि चाय छन्नी है, तो चाय छन्नी से हम लोग क्या करते हैं, मैं उसको थोड़ा सा इसको ग्राफिकली जो है थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि आप चाय वगैरह जिस तरह से लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए गिलास है
और आपने चाय बना रखा है, तो आपको क्या जरूरत पड़ता है, चाय को छानने की आवश्यकता होती है। ऊपर से चाय को आप गिराते जाओ गिराते जाओ, तो ये जो भी चाय पत्ती होगा वो क्या होगा, चाय छन्नी जो होगा वो यहीं पर इसको रोक लेगा चाय पत्ती को, और बाकी जो चाय बना होगा उसको नीचे की तरफ जाने देगा। तो यहाँ पे जो चाय छन्नी है ये एक्चुअली क्या बिहेव करेगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये वाला जो काम है ये कर रहा है, ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, दैट इज द सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन बोला कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सेलेक्टिवली परमीएबल जो मेम्ब्रेन है इसका क्या जो है मेन फंक्शन जो है ये क्या है, ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो आप देख पा रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, तो ये वाला बिल्कुल वैसा ही काम करता है कि परमिशन देगा ये कि किसी को जाना है नहीं जाना है, किसको रोकना है नहीं रोकना है, तो इसका काम यही करेगा, ठीक है। तो ये तो एक ऑस्मोसिस में नेसेसरी है, ऑस्मोसिस में ये चीजें होती हैं, जब ऑस्मोसिस होगा तो ये आपको जो सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है वो आपको दिखाई देगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आखिरकार ये जो आपका इस ओर से इस ओर जाएगा जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा भाई, तो वो जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का। किसका मूवमेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो समझ जाइए कि वो क्या कर रहा है, दैट इज द ऑस्मोसिस कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस कर रहा है, ठीक है। और ये जो ऑस्मोसिस होता है ये किसके जरिए इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो जो उसमें सब्सटेंस डाला होता है उसके जरिए। तो हम लोग इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको ये देखना है कि जो आपका डिफ्यूजन है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है और ऑस्मोसिस के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये भी मैं आपको अभी बहुत जल्द क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कवर कर लेते हैं। तो ऑस्मोसिस जो है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस जो है ये इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे, बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। यानी कि जो पानी में घुला हुआ सब्सटेंस है, जैसे कि मान लीजिए नमक हो सकता है, चीनी हो सकता है, तो उससे कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस्ड होगा, कौन, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है जो मूवमेंट होगा कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा, किससे, जो उसमें पानी में जो सब्सटेंस घुला होगा। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत जल्द क्लियर होगा, अभी मैं आपको इससे रिलेवेंट भी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ ऑस्मोसिस के प्रति, इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अभी डिफ्यूजन को यहाँ पर समझना होगा। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्यूजन को समझ लेते हैं और फिर ऑस्मोसिस दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे, और जब कंपैरिजन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट का अच्छा ग्रिपिंग जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग बना लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डिफ्यूजन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए ये है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन पर अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे, देखते हैं कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ वाटर ही होगा, बल्कि वो कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, ठीक है, सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। जबकि पीछे अगर हम लोग जाके देखते हैं तो पीछे वाले में आपको क्या कह रहा था, अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पीछे थोड़ा सा आके देख ले, यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, समझ रहे बात को, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है, जबकि डिफ्यूजन में आपको क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, मे बी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मे बी ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात किसकी करते हैं, ऑस्मोसिस की बात करते हैं, तो ऑस्मोसिस में आपका मूवमेंट किसका हो रहा है, ओनली फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स में मिला हुआ सब्सटेंस, ठीक है,
ये कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। लेकिन अगर हम डिफ्यूजन की जब बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि भाई वो गैस भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो सकता है, ऑक्सीजन गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट जरूरी नहीं है कि वाटर होगा या अलोंग विद द वाटर होगा, यानी कि वाटर के साथ कुछ मिला होगा तभी मूवमेंट होगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन तो समझ में आया, ये दो वर्ड पकड़ में आया आपको कि यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि ये जो मोमेंट है डिफ्यूजन में, ठीक है, तो जो सब्सटेंस का मोमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, तो ये कह रहा है कि भाई हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होगा। अब इसको समझने के लिए चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इस ओर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स है बहुत सारा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। और इस ओर आइए तो यहाँ पे देख रहे हैं जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, मात्र 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, सॉरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो अब हायर कंसेंट्रेशन से किधर जा रहा है, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो एरो आप यहाँ पे देखिए, हायर कंसेंट्रेशन से पार्टिकल्स किधर जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है। हायर कंसेंट्रेशन से किधर जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, और ये पार्टिकल्स में जरूरी नहीं कि वाटर ही रहेगा, ठीक है, ये आपको कह रहा है कि यहाँ पे सब्सटेंसेस होगा। तो ये जो सब्सटेंसेस मोशन करेगी यहाँ पर हायर से लोअर की तरफ करेगा, और इसके बीच में कोई दीवार है क्या, चाहे छन्नी के जैसा कोई है क्या, सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये आपको दिखाई देता है, दैट इज द डिफ्यूजन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोला करेंगे, ठीक है। और जो हम लोगों ने पीछे देखा, हम लोग थोड़ा सा पीछे भी जाके देख लेते हैं। तो जो हम लोगों ने पीछे की तरफ देखा, दैट इज द ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के बारे में आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ऑस्मोसिस में क्या कह रहा है कि मोमेंट तो होगा, ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ वाटर तो हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मोमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक दीवार से इसको गुजरना पड़ रहा, मतलब कि कोई चीज है जो ये डिसाइड करेगा कि किसको जाना और किसको नहीं जाना है, दैट इज नोन एज द सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये डिसाइड करेगा किसको जाना है नहीं जाना, इसको रोकने का भी काम करेगा, ठीक है। जबकि डिफ्यूजन में आपका ये वाला है क्या, नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ऑस्मोसिस में आपको यहाँ पर सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है, जबकि डिफ्यूजन में आपको यहाँ पर जो है सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगा। दूसरी चीज, इसमें मोमेंट ऑफ किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, जबकि डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, कोई भी सब्सटेंस का, ठीक है। अच्छे, तो ये जो आपने देखा कि यहाँ पर कोई सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मोमेंट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, तो आप उसको जो है क्या बोलेंगे, दैट इज द ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोला करेंगे, ओके। अब चलिए, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब यहां पर सेकेंड वाले पॉइंट को हम लोग डिटेल में क्लियर करेंगे कि ये जो सेकेंड वाला पॉइंट आपका कह रहा है ये क्या है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे पिक्चर को भी काफी अच्छे ढंग से क्या है, समझने का प्रयास करना होगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पिक्चर को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में अगर आप देखते हैं तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहता है कि ऑस्मोसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो कह रहे हैं जैसे कि मान लीजिए पानी है और पानी में आपने कोई भी सब्सटेंस को मिला दिया, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने नमक को मिला दिया, या हो सकता है इस पानी में हमने चीनी को डाल दिया, तो जो नमक है, जो आपका चीनी है, वो क्या हो गया, डिजॉल्व सब्सटेंस हो गया। तो वो जो चीनी है, वो जो नमक है, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड करेगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड करेगा किसको, वाटर के मूवमेंट को,
ठीक है। अब ये पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। अब इस पिक्चर को हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में कवर करते हैं और ये पिक्चर जो है आपको बहुत कुछ जो है समझाने का प्रयास जो है वो करेगी। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा पिक्चर को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पिक्चर जो है आपका क्या मतलब कहने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग देखते हैं, पिक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आप इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लास है, इस ग्लास में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, साथ ही साथ इस पानी में क्या मिलाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस कलर का आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा डिफरेंट कलर का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हो गया। क्या हो गया, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे एक चीज जो बच्चे जान रहे हैं, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स की जब भी हम बात कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें H2O मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, H2O मिला हुआ है, ठीक है। ये जो जिसमें हाइड्रोजन के दो आइटम्स है, ऑक्सीजन के एक आइटम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स बोला करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वाटर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो देख लीजिए। तो वाटर को रिप्रेजेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लैक डॉट के माध्यम से आपको दिखाया गया। तो ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मतलब H2O है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि ये सब आपके H2O है। और बाकी जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, यानी कि जो आपको ये वाला इस टाइप का जो शेप का दिखाई दे रहा है, या हम बात करें इस शेप का जो दिखाई दे रहा है, इस शेप का जो दिखाई दे रहा है, या इस शेप का जो दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, पानी में मिलाया हुआ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है। क्या है, दैट इज द सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो यहां तक दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑस्मोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब इसको हम लोग दो पॉइंट को इसमें क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां पर कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, अभी तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका लेबल्स दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो आप देख रहे हैं लेबल्स यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला लेबल यहाँ पे घट गया और यहाँ पे लेबल बढ़ गया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ सीधा सीधा कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इस ओर से इस ओर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, यानी मूवमेंट हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स का। अब कैसे हुआ, अब इसको भी थोड़ा समझते हैं, देखिए कैसे हुआ। अब देखिए यहां पे आपका क्या है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये शिफ्ट होके इधर आ गया, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये शिफ्ट होके इधर आ गया, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये शिफ्ट होके इधर आ गया, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स इधर शिफ्ट होके आ गया, उसी तरह से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स शिफ्ट होके इधर चला गया, ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स देखिए शिफ्ट इधर हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो देख रहे हैं कि इधर जो पानी का लेवल है वो कम हो गया, और इधर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस ओर में आप देख रहे हैं कि लेवल बढ़ गया और इसका लेवल जो वो घट गया, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, इस ओर से इस ओर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है कि इस रीजन से इस रीजन में चला गया, मोमेंट हुआ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का इस ओर से इस ओर मोमेंट अगर आपको जब दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दीवार की तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या खड़ा है, जिसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इससे आर पार होके जा रहा है, इट मीन्स कि ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया कि ये वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका है जो सॉल्ट का मॉलिक्यूल है, इसको इधर जाने का मौका नहीं दिया, यहीं पे रोक दिया। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपका जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया था कि ये डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा कि किसको जाना और किसको नहीं जाना है। तो यहां पर सॉल्ट मॉलिक्यूल को ये जाने ही नहीं दिया, इसको रोक लिया, ठीक है। तो ये जो आपको है जनरली इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरा पॉइंट अगर आप देखते हैं तो दूसरे पॉइंट पे देखिए कि यहां पर अगर आप देखेंगे पानी में मिलाया हुआ क्या था, तो पानी में हम लोगों ने नमक का मॉलिक्यूल्स मिलाया हुआ था,
ठीक है। तो जैसे कि ये आपका क्या है, नमक का मॉलिक्यूल से, ये क्या है नमक का मॉलिक्यूल से, ये क्या है नमक का मॉलिक्यूल से, ये क्या है नमक का मॉलिक्यूल से। तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो मोमेंट है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स इससे इस ओर शिफ्टिंग हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस्ड किए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग और भी अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या होता है ऑस्मोसिस, और इसमें जो हम लोगों ने बताया कि आखिरकार जो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब है, वो भी आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से कि आखिरकार दोनों के बीच में रोल क्या है। ठीक है, तो चलिए, तो अभी तक हम लोग अगर देख लेते हैं तो आप लोग यहाँ पे दो पॉइंट अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा कि आखिरकार ऑस्मोसिस क्या होता है, ये समझ में आपको आ गया होगा। और दूसरा बात आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सब्सटेंस है वो इन्फ्लुएंस्ड भी करता है। अभी ये पॉइंट और भी अच्छे से क्लियर होगा, चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं। साथ ही साथ आपने देख लिया होगा कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जो है वो बता रखा है। अब चलिए हम लोग आते हैं ऑस्मोसिस को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद और भी बेटर ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ऑस्मोसिस जो आपका है, अब आप देख सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस है वो क्या है, ये आपका एक पैसिव मोमेंट करता है। ऑस्मोसिस क्या करता है, पैसिव मोमेंट क्या करता है। अब देखिए, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिरकार ये पैसिव मोमेंट क्या होता है भाई, पैसिव मोमेंट का क्या मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो है वो स्ट्रैक करेगा कि पैसिव मोमेंट क्या होता है। तो पैसिव मोमेंट कहने का मतलब कि किसी चीज को मोमेंट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे अगर बाइक है, बाइक को अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो बिना डीजल का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब उसको एनर्जी चाहिए। तो जिसको एनर्जी चाहिए उसको एक्टिव मोमेंट बोलेंगे, लेकिन यहां पे ऑस्मोसिस में उसको एनर्जी नहीं चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव मोमेंट बोलेंगे। यानी कि पैसिव मोमेंट कहने का मतलब कि वाटर का जो मोमेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसको एक जगह से दूसरे जगह मोमेंट करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव मोमेंट बोला करते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, पैसिव मोमेंट हुआ करता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि आखिरकार हम लोगों ने पीछे लेक्चर में देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मोमेंट तो कर रहा है, लेकिन किस से किस और करेगा, यानी हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किधर से किधर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो वो शिफ्ट करेगा। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे अब जो है कंक्लूजन जो है पॉइंट बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ गया। ठीक है, तो यहां पे दो बातें आपको समझनी है, कह रहा है कि हाई वाटर कंसेंट्रेशन से किधर जाएगा, रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, लो वाटर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब इसमें दो पॉइंट जो है, और जब ये मोमेंट करेगा तो इसको क्या मिलेगा, दैट इज द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन मिलेगा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या चीज हुआ करता है। सो अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर पिक्चर का जो है हम लोग इसका सहारा लेते हैं और पिक्चर के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्लियर ढंग से इसको जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें आपको दिखाई देगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई देगा जो एकदम सिंपल सिंपल डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं सिंपल छोटा छोटा डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, और जो बड़ा बड़ा डाउट है ये गोल गोल टाइप का देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, शुगर मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ये पानी है और इस पानी में क्या मिलाया हुआ है,
चीनी मिलाया हुआ है, ठीक है। तो चीनी को इंडिकेट कैसा देख रहे हैं आप, यहाँ पे बड़ा बड़ा जो गोल गोल दिखाई दे रहा है इसको हम कह रहे हैं चीनी मॉलिक्यूल्स, और इधर जो आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इधर आप देख रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है। और जबकि इधर अगर आप देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, देखिए छोटा छोटा इस टाइप का डॉट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप तो बहुत कम है, तो ये क्या हो गया आपका, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। अब पढ़िए क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, कि वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन, तो हाई वाटर कंसेंट्रेशन इधर है, ठीक है, ये किधर की तरफ मूव करेगा, तो बोर्ड आए कि ये जो वाटर कंसेंट्रेशन है ये इस ओर चला जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, लोअर की तरफ चला जाएगा। तो देखिए लोअर की तरफ जा रहा है, लेकिन बीच में एक दीवार भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टिवली परमियेबल मेम्ब्रेन से होकर आप देख रहे हैं कि ये सब चीज जो है गुजर रही है। तो एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रीजन ऑफ हायर वाटर कंसेंट्रेशन से किधर जाएगा, दैट इज द लो वाटर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, और जब ये जाएगा तो इसका सामना किससे होगा, दैट इज परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसका जो है वो हुआ करेगा सामना। तो यहां तक ये बातें आपको समझ में आ गई कि क्या है। तो ये एक डेफिनेशन हो गया आपका ऑस्मोसिस का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा भी होगा कि आखिरकार आप जान पाएंगे कि कॉन्सेप्ट जो वो कैसे काम कर रहा है। चलिए अभी इसमें और भी हम लोग डिटेलिंग कवर करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो जैसा कि हमने ये आपको बताया कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसा कि फिगर में आपने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कि किस सब्सटेंस को किस ओर जाना है या नहीं जाने देना है, उसको रोक लेना है या क्या करना है, तो ये चीज़ कौन डिसाइड कर रहा है, तो ये चीज़ आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो आपका कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। ये हो सकता है परमिट देगा सिर्फ वाटर को जाने के लिए, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इन सब चीज़ों को तो जाने ही नहीं देगा, तो ऐसा जो है इसका डिसीजन यही ले रहा है, ठीक है, यानी कि यही अलाउ करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहेंगे कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन को आप ले सकते हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा ये जो है ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। तो अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात आ जाता है कि रोल ऑफ सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ गया हमारे पास, अब इसको समझने का हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, जो मैंने बीच में थोड़े समय के लिए रोक दिया था इस पॉइंट को। तो यहां पे आपका क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि पानी आप लीजिए, और पानी में जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं पानी हमने गिलास में लिया, और इस गिलास में पानी के साथ साथ क्या मिला दिया है, नमक भी मिला दिया है, सॉल्ट का मॉलिक्यूल्स भी है। तो जिस चीज में, जैसे पानी में हमने क्या मिलाया, नमक, तो नमक क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो सॉल्यूट है कहीं ना कहीं इससे भी वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है उसका जो मोमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, किससे होता है इन्फ्लुएंस्ड, सॉल्यूट से, इस पे भी डिपेंड करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे भी ये प्रभावित होगा। तो कैसे प्रभावित होगा, कैसे इन्फ्लुएंस्ड होगा, अब इसका क्या कॉन्सेप्ट, ये भी आपको इस पिक्चर में आपको बहुत ही क्लियर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो वाटर है वो मूव्स किधर से किधर करेगा, तो कह रहा है कि वाटर मूव्स टू एरिया विद हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू डाइल्यूट इट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ग्लास में जो है आपका क्या क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी है और सॉल्ट का मॉलिक्यूल्स है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, किधर की तरफ जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स, ये ब्लैक वाला क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स देखिए इधर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी नोटिस कीजिए कि ये वाला भी वाटर मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये वाला भी वाटर मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ जा रहा है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ जाएगा, ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ जा रहा है, ये भी इधर की तरफ जा रहा है,
ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो है, ये जो सॉल्ट का मॉलिकुल्स है, ये जाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जाने इसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन आ गया, तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि जो परमियाबल है मेम्ब्रेन, वो रोक दे रहा है, ये अलाउ नहीं कर रहा है इसको कि आप आगे यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे रोक दिया इसको, यानी कि सॉल्ट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं किया। लेकिन प्रश्न अब ये है कि ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस ओर ही शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? अब इस सवाल का जवाब हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मोमेंट तो हो गया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स इस ओर से इस ओर देख रहे हैं कि चला गया है, इसलिए देखिए कि यहाँ का जो लेवल है ये देखिए घट गया, और देखिए यहाँ पर इतना लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, इस ओर आ गया है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इस ओर शिफ्ट हो चुका है। तो क्यों हुआ इस ओर, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट मिक्स्ड किया हुआ है, सॉल्यूट जो आपका यहाँ पर मिक्स किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूट है नमक, ठीक है, नमक का जो आपका आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो नमक आपको दिखाई दे रहा है, फिर इधर जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर नमक का पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, तो इधर नमक का पार्टिकल्स ज्यादा है और इधर नमक का पार्टिकल्स क्या है, कम है। तो ये आपको वाटर मॉलिक्यूल्स इस ओर शिफ्ट होते हुए दिखाया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट को देखिए, वाटर मूव्स टू एरियाज विद हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट किधर है, इस ओर है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है इस ओर है आपका, क्या चीज, सॉल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा इधर है, तो इसीलिए क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इस ओर हो गया। जिधर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, उस ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि जो चीनी का जो चीनी या नमक जो भी मान लीजिए, चीनी और नमक का जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, वो ज्यादा है। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स किधर हुआ, जिधर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा था, इस ओर ज्यादा था, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स इस ओर से इस ओर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, इसीलिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताया कि वाटर मॉलिक्यूल्स आखिरकार क्यों इधर शिफ्ट हो रहा है, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। तो एक तो कंसेंट्रेशन, यानी कि जो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स इधर देखिए ज्यादा है लेकिन इधर कम है, तो हायर से लोअर की तरफ चला गया। तो ये दोनों पॉइंट को आपको मिला के चलना है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किधर से किधर मूव करेंगे, और जब भी ये मूव करेंगे तो इसका सामना किससे हो रहा है, दैट इज एक हमारे पास है जिसको हम लोग क्या बोला करते हैं, सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहा करेंगे, दैट इज द ऑस्मोसिस बोला करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात जो है वो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्या होता है यहाँ पर ऑस्मोसिस, ठीक है। दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करके बताया है। अब देखिए इसका अगर हम लोग बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देखें कि आखिरकार ऑस्मोसिस आपको कहाँ पे देखने को ज्यादा मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पत्ता आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फूला हुआ है, स्वेलन है, ठीक है। तो क्यों हुआ, क्योंकि ऑस्मोसिस हुआ है, और जहां पे शिफ्टिंग नहीं हुआ है वाटर का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुरझा के देख रहे हैं, फूला हुआ नहीं है आपके पत्ते, यहाँ पे गिरे हुए हैं पत्ते, ठीक है। और यहाँ पे जबकि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे पत्ते क्या हैं, पूरी तरह से स्वेलन आपको होते हुए यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि ये जो है मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, तो सेल टर्जिटी को ये क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, कौन, ऑस्मोसिस। तो एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपने यहाँ पर एक चीज और भी देखा कि ये जो ऑस्मोसिस है ये सेल को रेगुलेट भी करने का काम करता है और उसकी टिश्यूज को हेल्दी भी रखने का काम करता है। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये वाले फिगर में आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये किशमिश वगैरह है, इसको अगर आप पानी में डाल देंगे तो पानी को ये सोख लेगा और फूल जाएगा, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस का काम करता है। अगर ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो आपका जो पेड़ है, तो पेड़ में जो रूट्स होते हैं, वो रूट्स क्या करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से ही पानी में बहुत सारा मिनरल्स वगैरह जो मिला होता है, जो पेड़ पौधों की ज़रूरत का खुराक होता है, उसको एब्जर्व करते हुए देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ सब जो है वो ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मिट्टी में पानी है, पानी में बहुत सारा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मिनरल्स का रिक्वायरमेंट है पेड़ पौधों को, वो यहाँ से इस तरफ क्या करेगा, ले जाएगा, एब्जर्व करेगा बाय द रूट्स। तो ये भी किसके माध्यम से होता है, तो ये भी आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से होता है। तो ये ऑस्मोसिस आपके डे टू डे लाइफ में जो है वो दिखाई देते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा, हालांकि आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन मेरी जो मानना है कि कॉन्सेप्ट को आप डेप्थ तरीके से समझें और आपको दिक्कत भी ना हो। चलिए, आपने कितना अच्छे से समझ लिया है कॉन्सेप्ट को, इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, इसका आप सवाल का जवाब आप यहाँ पे देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 10 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को या नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑप्शन कई हैं आपके पास, तो यहाँ पे बताइए। तो पहले ऑप्शन आ गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो मैंने आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो नहीं होगा, ये तो संभव नहीं है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस को ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बी वाले ऑप्शन में हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये पैसिव मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का मोमेंट तो होगा लेकिन पैसिव तरीके से, यानी कि नो नीड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे चलेगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन ऑस्मोसिस वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ वाटर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ वाटर कंसंट्रेशन। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर मूव्स किधर, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। तो मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया था। सो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, दैट इज द बी। और आप अगर मुझसे पहले भी जवाब दे सकते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट में इसका जो है जवाब दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के लिए और इसको लाइक भी कीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि वॉट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन अलाउज सम मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर टू पास थ्रू व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है वो ये काम करता है कि किसको जाने देना है, किसको रोक लेना है ऑस्मोसिस के दौरान। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दैट इज बी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए, 3 क्वेश्चंस तो आपके हो गए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप देखिए 4th क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्मोसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ऑन आइदर साइड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ऑस्मोसिस किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो जैसा कि आपको मालूम है दैट इज सॉल्यूट से, ठीक है, सॉल्यूट से, गैसेस से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, टेम्परेचर से नहीं होगा, प्रेशर से नहीं होगा, बल्कि किससे होगा, सॉल्यूट से होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट है। अब चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5th क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, इनमें से कौन ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल नहीं है। मुझे लगता है बहुत ही ईजी सवाल मैंने पूछ दिया है, आप थोड़ा सा इसका जवाब कमेंट करके दीजिए। चलिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मिक्सिंग शुगर इन कॉफ़ी, जब आप कॉफ़ी में शुगर को मिलाते हैं तो वह ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं है, वो तो मिक्सिंग है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं,
तो देखिए, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं कि रेगुलेटिंग द सेल डेंसिटी, मैंने बताया कि स्वेलिंग वगैरह करने में इसका काम रहता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट जवाब है। अब चलिए हम लोग फाइनल की तरफ अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोसेस हेल्प्स मेंटेन द हेल्थ एंड फंक्शनिंग ऑफ प्लांट सेल्स बाय प्रिवेंटिंग वल्टिंग। ठीक है, विच प्रोसेस हेल्प्स, तो आपको यहां पर ये कह रहा है कौन सा प्रोसेस है जो मदद करता है हेल्थ एंड फंक्शनिंग ऑफ प्लांट सेल्स बाय प्रिवेंटिंग वल्टिंग। तो यहां पर डेफिनेटली कौन सा सही जवाब होगा, ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, और इस क्वेश्चन में चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि ऑस्मोसिस इज अ ब्लैंक प्रोसेस इन विच वाटर मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या होगा, दैट इज द पैसिव प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है, ये मैंने आपको बताया है, एक्टिव प्रोसेस नहीं होता। पैसिव प्रोसेस कहने का मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगा किस चीज का, एनर्जी का, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव। तो ऑस्मोसिस जो होता है वो क्या होता है, पैसिव प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। आई थिंक, उम्मीद करता हूं कि आप जो ऑस्मोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे ढंग से डील आपने किया होगा। आपको कैसा लगा है आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।